भैया दूल्हा बन के आएंगे, हमारे दामाद बन के आएंगे। ने नारद बाबा के चरण पकड़ दिए, तुम्हारे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो भगवान कन्हैया, चिंता नहीं करो महाराज भीष्मक, तुम्हारी कन्या नहीं ये भवानी है, भवानी। नारद बाबा तो वहां से चले गए और इधर रुक्मिणी जब धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होने लगी, रुक्मिणी के एक दिन दरबार में एक बूढ़े से ब्राह्मण देवता कुछ मनहारी गीत गाते हुए आए, प्रतिभूमि में हुआ है अब तार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं का दीदार कन्हैया, यानी ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। जो रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया का अवतार हो गया, तो बालापन से ही रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद करने लगी, बालापन से ही रुक्मिणी भगवान कन्हैया को मानने लगी। और एक कवि तो ये कल्पना कर रहा है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस होठों पर नाम है तो सिर्फ कन्हैया का है। लाला सोचने लगी रूखी मेरे मन में, जब छोटी थी रुक्मिणी तो बालापन से ही रुक्मिणी ने विचार किया, सोचने लगी रूखी मेरी मन में, जीवन मन दिन व्यर्थ हो रहे जी।
लगी। चलते फिरते उठते बैठते सोते